अभी तक नहीं हुआ था और फाइनली क्या कहना चाहेंगे आप? मतलब अभी तक तो मतलब शुरुआत ऑब्वियसली जून से हुई है, काफ़ी इंटेंस सीन्स भी हुए हैं. अब फाइनली एक स्टेप है जो नैना ले रही है टूवर्ड्स फ्रेंडशिप विद करण एंड वो नैना फर्स्ट स्टेप ले रही है करण की तरफ फ्रेंडशिप का और एक्सपेक्ट करती है कि करण भी रिवर्ट करेगा, बट ऐसा नहीं होता है. फेल्ड कोशिश है, बट फिर भी कुछ ना कुछ ऐसी उसकी तरफ से अभी कुछ जेस्चर्स और वाइब्स ऐसी आई हैं फ्रेंडली कि लग रहा है कि सून यू नो देयर बी अ नाइस फ्रेंडशिप बॉन्ड बिटवीन द टू. आज करण भी शॉर्टलिस्ट हुआ था उसमें उस क्योंकि दोनों में कुछ ऑब्वियसली अगर ना ऑब्वियसली फिजिकल बॉन्डिंग तो बिल्कुल भी नहीं है तो ऑब्वियसली नैना ऑकवर्ड हो जाती है उसको ऐसे देखकर, वो तो और भी ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाता है. और सॉरी अपोलोजाइज करती है कि रूम में आ गई ऐसे बिना नॉक किए. वैसे अगर हाँ पूछे ना आप इससे अच्छा कभी ये मोमेंट हमें देखने मिलेगा कि आप और करण फाइनली साथ? आई थिंक बहुत जल्द बेस कोशिशें शुरू हो चुकी है नैना की तरफ से और नैना को भी फील हो रहा है कि करण वो चाहता है बट वही अपने यू नो डर और जैसे वो हमेशा से रहा है उसकी वजह से वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, पर वो मतलब रीडेबल है कि दैट ही ऑल्सो वॉन्ट्स टू यू नो बिकम फ्रेंड्स. अच्छा इससे पहले जो सीन हुआ था उसमें आप कुछ लड्डू उड्डू बना रही थी, तो क्या कुछ किस लिए लड्डू बनाया जा रहा था? और लड्डू एक नैना की यू नो कह सकते हैं इट्स वेरी स्वीट साजिश. नैना को करण की प्रॉब्लम थोड़ी डेप्थ में पता चली है कि उसको जो भी स्किन की प्रॉब्लम है वो इसलिए क्योंकि शुरू से उसका कॉन्फिडेंस बहुत लो रहा है फॉर वट एवर रीजन्स. एंड ऐसा बताया गया कि जो उसकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है अगर वो उसे उठता हुआ देखेगा यू नो दैट विल हेल्प हिम ऑल्सो. तो नैना ने अपना दिमाग चलाया कि वो तो निर्मला ही है उनकी मम्मा जो है, तो और क्योंकि निर्मला खुद एक यू नो सप्रेस्ड ह्यूमन बींग है इस घर में, तो नैना उनका पहले उनको निकाल रही है उनके एक यू नो छोटे से सर्कल से जिसमें उन्होंने अपने आप को रखा है. तो लड्डू एक्चुअली वही बात कॉन्वर्सेशन शुरू करने के लिए, पहले उनको थोड़ा उनका कॉन्फिडेंस देखा और वहाँ से बात शुरू. अच्छा काफ़ी इनक्रेज किया आपने उन्हें आज लड्डू बनाते वक्त और उनसे ऑफिस तक जाने की बात कही आपने, तो क्या इससे करण पर बाकी में असर पड़ेगा? वो देखना पड़ेगा, पर अपनी तरफ से नैना पूरी कोशिश कर रही है. तो ऐसा नैना को लगता है कि अगर निर्मला जी जाएंगे ऑफिस और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा क्योंकि ये उन्हें बहुत प्यार करते हैं, तो इसका भी यू नो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा लाइफ में. ओके थैंक यू सो मच.